hello my dear students i hope all of you are fit and fine and doing your study very well at your home dear students in our previous video we have already studied about landform on the earth earth uh, landform on the earth like hills mountains valleys desert etc etc and today we will study about water bodies on the earth dear students what is water bodies आपने क्या कभी पौंड लेक रिवर सी या ओशन वगैरह को देखा है यानी अगर आपके घर के पास कोई तालाब है तो वो क्या है वो वाटर बॉडीज़ हैं ठीक है थीक? वो वाटर बॉडी उसको कहते हैं क्यों क्यों उसको वाटर बॉडी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी होता है नदी अगर आपने देखी होगी तो वो भी क्या है वाटर बॉडी है इसी तरह से जो सी है ओशन है ये सब भी क्या है वाटर बॉडीज़ हैं क्योंकि इसमें पानी होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है सो so, स्टूडेंट्स थ्री फोर्थ ऑन द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर यानी अगर ये हमारी अर्थ है इसको हम चार बराबर भागों में बांट दें तो ये जो, ये जो थ्री पार्ट है ना ये जो थ्री पार्ट्स हैं ये सारा क्या है ये वाटर है ठीक है और केवल एक ही भाग ऐसा है जिसको हम क्या कहते हैं अर्थलैंड यानी पूरी अर्थ पे ये जो थ्री पार्ट्स हो जाते हैं तीसरे तीन हिस्से जो हैं वो केवल पानी से घिरे पड़े हैं और केवल एक पार्ट ही ऐसा है जिसपे हम रहते हैं ओके स्टूडेंट्स सो थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर यानी हमारी अर्थ का तीन हिस्सा क्या है पानी है इट इज़ फाउंड इन मैनी फॉर्म्स और ये जो पानी है ना ये अलग अलग रूप में होता है फॉर्म मीन्स रूप में होता है जैसे फर्स्ट को क्या कहते हैं रिवर रिवर मीन्स नदी यू कैन सी य रिवर रिवर्स आर लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर रिवर क्या है एक लंबा स्ट्रीम स्रोत है किसका पानी का यानी नदी एक ही जगह तो होती नहीं वो नदी बहते हुए बहुत दूर तक जाती है तो ये क्या है रिवर एक लंबा स्रोत है वाटर का स्ट्रीम्स है द स्नो ऑन माउंटेंस इसके अलावा जो पर्वत होते हैं ना ऊंचे-ऊंचे जो पर्वत होते हैं ठीक है उस पर क्या होती है स्नो होती है बर्फ पड़ी होती है बर्फ़ होती है ना इसकी वजह से क्या होता है द स्नो ऑन द माउंटेंस जो पर्वतों पर माउंटेंस पर बर्फ होती है मेल्ट्स इनटू वाटर वो किस में बदल जाते हैं मेल्ट मीन्स होता है पिघलना पिंगल किस में बदल जाती है वाटर में पानी में कैसे बदल जाती है जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर फ्रिज है फ्रिज में आप फ्रीज़र में पानी रखते हो तो बर्फ़ बन जाता है ना और जैसे ही उसको बाहर निकालते हो तो वो बर्फ़ फिर क्या बन जाती है मेल्ट होने लगती है ना पिघलने लगती है फिर वो किस में बदल जाती है वाटर में बदल जाती है सो so इसी तरह से जो हमारे माउंटेंस पे स्नो होती है ना बर्फ पड़ी होती है वो क्या होने लगती है मेल्ट होने लगती है और किस में बदल जाती है वाटर में एंड फ्लो डाउन इन द फॉर्म ऑफ द रिवर और नीचे फिर वो किस रूप में बदल जाती है आके नदी के रूप में यानी पर्वतों पर जो बर्फ़ होती है वो पिघलने लगती है और वहाँ से जो निकलने वाला पानी होता है वो नीचे आने लगता है क्योंकि माउंटेन क्या होते हैं ऊंचाई पर होते हैं और जो पानी नीचे की तरफ आता है वो किस रूप में बदल जाता है नदी के रूप में नेक्स्ट है दिस वाटर इज़ यूज फॉर मैनी पर्पजेज़ और ये जो वाटर होता है ना रिवर से आने वाला जो पानी है वो कई तरह के कामों में यूज़ किया जाता है जैसे लाइक like ड्रिंकिंग पीने के लिए क्लीनिंग धोने के लिए एक्सेप्ट यानी मैनी पर्पस के लिए जो वाटर है उसका यूज किया जाता है ओके नेक्स्ट है सी एंड ओशन आपने समुद्र का नाम सुना होगा बहुत बड़ा होता है ओशन जो होता है महासागर जिसे हम कहते हैं तो सीज आर लार्ज वाटर बॉडीज ये जो समुद्र होते हैं न बहुत बड़ी वाटर यानी नदी अगर आप अभी आपके घर में जो आपके घर कह रहे हैं आपके घर के बगल में या आपके गांव में आपने देखा होगा पोखरा तालाब वगैरह देखा होगा तो उसके अलावा भी वहाँ पे सोचिए कितना सारा पानी होता है फिर आपने अगर नदी का नदियों को देखा है तो नदी में भी बहुत सारा पानी होता है लेकिन अगर आपने कभी सी देखा होगा तो वो बहुत ही बड़ी वाटर बॉडीज़ होती है यानी सीज़ आर लार्ज वाटर बॉडीज़ बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ होती है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है एंड बिग सीज़ आर कॉल्ड ओशन्स और यही जो सीज़ होते हैं यानी समुद्र जो होते हैं जो बहुत बड़े समुद्र होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं ओशन कहते हैं यानी महासागर जिसे कहते हैं द वॉटर ऑफ द सीज एंड ओशंस इज सॉल्टी लेकिन जो पानी सी समुद्रों में और ओशन में पाया जाता है ना वो कैसा होता है सॉल्टी सॉल्टी मीन्स होता है आ, खारा खारा मतलब अगर आप उसको पीना चाहूँ तो आप इसको नहीं पी पा रहे हो क्यों क्योंकि उसमें वो क्या होता है उसमें नमक का टेस्ट आता है सॉल्टी टेस्ट आता है जैसे अगर आप एक गिलास पानी में दो तीन चम्मच नमक मिला दीजिए और अगर आप उसको पीना चाहें तो क्या आप उसको पी पाएंगे नहीं ना क्योंकि वो क्या हो जाता है सॉल्टी हो जाता है इसी तरह से जो सी एंड ओशन का वाटर होता है वो कैसा होता है सॉल्टी होता है एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग इसीलिए उस पानी का यूज़ हम पीने के लिए नहीं कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स डू यू नो क्या आपको पता है ओनली वन परसेंट ऑफ द वाटर केवल एक परसेंट वाटर जो है ना ऑन द अर्थ हमारी अर्थ पे केवल वन परसेंट वाटर ही ऐसा है इस फ्रेश वाटर दैट वी कैन एक्चुअली यूज जिसको हम यूज़ कर सकते हैं यानी नाइन्टी नाइन परसेंट वाटर ऐसा है जिसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं केवल वन परसेंट वाटर ही ऐसा है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं नाउ टाइम टू आंसर इज सर्कल द करेक्ट वर्ड जो वर्ड सही है उसको हमको क्या करना कर है सर्कल कर देना जैसे फर्स्ट है वन फोर्थ की थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर यानी ये जो मैंने बताया था ये अर्थ है अर्थ का कितना हिस्सा वाटर है तो मैंने बताया ना थ्री फोर्थ वन फोर्थ में ना कितना है थ्री फोर्थ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री फोर्थ नेक्स्ट है वाटर ए ऑफ रिवर की सी इज सॉल्टी री रिवर का पानी सॉल्टी होता है कि सी का होता है तो मैंने क्या बताया था सी का ओशन का वाटर जो होता है वो कैसा होता है सॉल्टी होता है नेक्स्ट है वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ओशन और रिवर हमको पीने लायक पानी कहाँ से मिलता है ओशन से मिलेगा ओशन से जो पानी मिलता है वो कैसा था सॉल्टी होता है क्या हम उसको पी पाएंगे नहीं ना तो फिर कौन सा वाटर है जिसको हम पी सकते हैं तो वो रिवर का वाटर हो जाएगा ठीक है तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा थ्री फोर्थ सेकेंड में क्या हो जाएगा वाटर इज ऑफ द सी इज़ सॉल्टी एंड वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द रिवर्स ओके नेक्स्ट इज हाउ टू सेव द अर्थ अब हम अपने अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं कैसे उसको सही से रख सकते हैं सो स्टूडेंट्स अर्थ इज आवर होम अर्थ क्या है हमारा घर है क्यों है क्यों है? अर्थ हमारा घर है क्योंकि हम इस पर रहते हैं इट गिव्स अस एयर वाटर एंड लैंड टू लिव और ये जो अर्थ है ये हमें क्या क्या देती है एयर देती है हवा हवा से हम क्या करते हैं सांस लेते हैं अगर हवा ना हो एयर ना हो तो क्या हम सांस ले पाएंगे ब्रीथ कर पाएंगे नहीं ना तो एयर से हम क्या करते हैं ब्रीथ करते हैं वाटर वाटर देती है अर्थ हमें जिस वाटर का यूज़ हम मैनी पर्पस के लिए करते हैं लाइक ड्रिंकिंग वॉशिंग कुकिंग बाथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड लैंड ऑन द लैंड टू लिव और इसके अलावा ज़मीन देती है जिस पर हम रहते हैं तो अर्थ हमारा घर है क्योंकि इट गिवस अस एयर वाटर एंड लैंड टू लीव वी मस्ट कीप इट क्लीन इसलिए हमें क्या करना चाहिए इसको क्लीन रखना चाहिए जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं इसी तरह से हमें अपनी अर्थ को भी क्लीन रखना चाहिए साफ़ सुथरा रखना चाहिए ड्यू टू मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़ हमारे द्वारा अधिकतर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं सच सचेज़ कटिंग ट्री जैसे कि पेड़ों को काटना पुटिंग हार्मफुल थिंग्स इन एयर मैंने हार्मफुल थिंग्स का एयर में जाना जैसे कि प्लास्टिक बर्न करना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे एयर पॉल्यूटेड होती है गाड़ियों से निकलने वाले स्मोक से धुएं से एंड वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं वाटर में हम क्या कर देते हैं जितना वेस्टेज होता है जितना वेस्ट मटेरियल होता है उसमें ले जाके उसको डाल देते हैं वी आर पॉल्यूटिंग द अर्थ हम क्या कर रहे हैं अर्थ को पॉल्यूट कर रहे हैं अपनी अर्थ को हम खुद ही पॉल्यूट कर रहे हैं एंड मेकिंग इट अनसेफ फॉर आवर लिविंग और हम इसे अपने रहने के लिए अनसेफ बनाते जा रहे हैं सो वी कैन सेव द अर्थ बाय टेकिंग सम स्टेप्स सच एज इसलिए हमें क्या करना चाहिए अपनी अर्थ को सेव करना चाहिए तो कैसे हम सेव कर सकते हैं अपनी अर्थ को वी शुड नॉट कट ट्रीज हमको पेड़ों को नहीं काटना चाहिए एंड वी शुड नॉट किल एनिमल्स यहाँ तक कि हमको जानवरों को भी नहीं मारना चाहिए यहाँ पर यू कैन सी हियर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल ट्वेंटी टू यानी बाईस अप्रैल को हर साल ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल को क्या मनाया जाता है अर्थ डे मनाया जाता है ठीक है किस लिए ये क्यों मनाया जाता है कि हम अवेयरनेस लोगों को जागरूक कर सकते हैं किसके लिए प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट है क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग टीप जब हम ब्रश करते हैं तो उस समय हमको टैप को क्या कर देना चाहिए क्लोज कर देना चाहिए बंद कर देना चाहिए ओके okay? नेक्स्ट है हमारा वी शुड मेक द अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज हमें अपनी अर्थ को कैसा बनाना चाहिए ब्यूटीफुल बनाना चाहिए ठीक है ग्रीन बनाना चाहिए तो ग्रीन कैसे होगा जब हम क्या करेंगे प्लांटिंग मोर ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पेड़ों को लगाएंगे इसलिए डू नॉट कट द ट्रीज़ प्लांटिंग मोर ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पेड़ों को लगाइए पेड़ों को मत काटिए क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें एयर नहीं मिलेगी फ्रेश एयर नहीं मिलेगी और हम सांस नहीं ले पाएंगे वी शुड नॉट वेस्ट वाटर हमें वाटर को भी यानी पानी को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड वी शुड सेव पेपर एंड इलेक्ट्रिसिटी और हमें जो पेपर हम यूज़ करते हैं ना पेपर का बहुत ज़्यादा मिस यूज़ करते हैं कॉपी के पेजेस को फाड़ के फेंक देंगे और उसका यू उसको मिस यूज़ करेंगे तो इससे हमको क्या करना चाहिए पेपर को सेव करना चाहिए एंड इलेक्ट्रिसिटी या बिजली है जैसे मान लीजिए अगर आप लोग कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग एक जगह बैठे एक ही फ़ैन से काम करें और अगर हमारे कमरे में कोई नहीं है तो उस कमरे की लाइट को पंखे के स्विच को ऑफ़ कर देना चाहिए तो फालतू की लाइटों को नहीं चलाना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए तो वी शुड सेव पेपर एंड इलेक्ट्रिसिटी ओके स्टूडेंट्स सो दैट्स ऑल फॉर टू डेज ईवियस क्लास वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे होम स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग